हे गाइस, आप देख रहे हैं टेक एंड मैं हूं आर्यन शर्मा। तो आज की जो वीडियो है वो ऑटोमोबाइल की प्राइस रिलेटेड होने वाली है। तो काफी सारे कमेंट्स आए थे मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखते हुए कि प्राइस डाउन हो गई है, स्कॉर्पियो की प्राइस डाउन हो गई है। तो स्कॉर्पियो की जो प्राइस डाउन हुई है वो आरटीओ की तरफ से हुई है। काफी सारी स्टेट्स में रिलैक्सेशन दिया आरटीओ ने, जैसे कि लगभग 2 से 2.5% जो है वो राजस्थान में कट ऑफ हुआ है, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना अच्छा प्यार देने के लिए सारे वीडियोस के लिए। लेकिन मेरी एक आपसे गुजारिश है कि आप जब मेरी वीडियोस देखते हैं तो सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या कि हमको भी मोटिवेशन मिलता है। काफ़ी कम सब्सक्राइबर परसेंटेज है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ कीजिए, जिससे कि मैं आपको जल्दी से जल्दी वीडियोज़ लाऊँ। और सिर्फ स्कॉर्पियो एन पे नहीं, सारी की सारी ऑटोमोबाइल पर, व्लॉग्स पर, सबकी तरफ से आपको एक वीडियो मिलेगी मेरे पास। लगभग हफ्ते में 2 से 3 वीडियो अपलोड होंगी और अब रेगुलर रहेंगे हम, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास जो कोटेशन है मेरी डीलरशिप से, वो कोटेशन आ चुका है, तो आपको एक स्क्रीन पर आ रहा होगा कि जो प्राइस है 15,64,000 इस टाइम स्कॉर्पियो एंड Z6 की प्राइस है। मैं एक पर्टिकुलर मॉडल के लिए बात कर लेता हूँ, कि अगर हम हर मॉडल के लिए बात करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा उसमें। तो 15.64 लाख जो प्राइस है वो स्कॉर्पियो एन की Z6 की नॉन इंट्रोडक्टरी प्राइस है, जिसमें पहले जो RTO ड्यूटी लग रही थी वो 2,21,000 लग रही थी, और इंश्योरेंस और सब कुछ मिला के 18.99 लाख था। लेकिन जो अब मेरे पास जो कोटेशन आई है वो ऑलमोस्ट 64,000 लेस की है। अब जो पहले रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो पहले लग रहा था आपका, हाँ, जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपका पहले 2,21,000 लग रहा था, नॉन इंट्रोडक्टरी वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, वो अब लग रहा है 1,86,000। तो ऑलमोस्ट 35,000 का डिफरेंस है, और यही प्राइस डाउन भी किया जाएगा। लगभग जो इंट्रोडक्टरी वाले हैं उनका लगभग 2,12,000 रुपये लग रहा था पहले, और अब उनका लगेगा लगभग 1,78,000। तो लगभग 34-35,000 स्कॉर्पियो एंड Z6 वालों के लिए भी ये डाउन हुआ है। तो आप अपने स्टेट्स में चेक कर सकते हैं अभी, कार देखो और कारवाले.com पर अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ पर अभी अपडेट नहीं हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और मैं आपको ये भी स्क्रीन पर शो कर दूंगा, मेरे पास जो कोटेशन आ रखा है इसके बारे में भी आपको मैं शो कर दूंगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अगर हम 30 से 35,000, मतलब मॉडल टू मॉडल वेरी करेगा ये, और आप सिर्फ स्कॉर्पियो एन पर नहीं, किसी भी गाड़ी से लीजिए, चाहे टाटा से ले लीजिए या चाहे मारुति से ले लीजिए, सबकी प्राइसेस डाउन हुई है लगभग 2-2.5%। काफ़ी डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जो पहले क्या था कि 2200 cc तक की जो गाड़ियाँ थी ना उन पर टैक्स ज़्यादा लगता था, लेकिन अभी जो टैक्स, जो RTO टैक्स है वो कम कर दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सभी के प्राइस में डिफरेंस आएगा। जो ZL मॉडल है उसमें लगभग 50 से 56,000 रुपये का डिफरेंस है, तो काफ़ी ह्यूज डिफरेंस आ जाता है ये। जो भी आपका नॉर्मल मॉडिफिकेशन है वो 30-35,000 में आराम से करा सकते हैं, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो डाल दिया, आपको आई बटन में आ रही होगी, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। एंड अगर आपकी कोई और भी क्वेरी, जैसे आपकी ये वाली क्वेरी थी RTO प्राइस कितना डाउन हुआ है और क्या रिलेटेड, इसके लिए रिलेटेड वीडियो बनाया, मेरे पास काफ़ी लोगों के मैसेज और कमेंट्स भी आए थे, तो मैंने ये वीडियो बना दिया आपके लिए। और अगर कोई भी और क्वेरी होती है आपकी स्कॉर्पियो एन से रिलेटेड, कोई भी और गाड़ी से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब जरूर करके आए चैनल को, इससे हमको काफी मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद, जय भारत। पर ना